इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। बीकानेर स्वर्गीय भेरू दान इंदरचंद बोथरा की स्मृति में बोथरा परिवार गंगा शहर की ओर से साकेत रेजिडेंसी गंगा शहर में आज निशुल्क कोविड टीकाकरण किया गया। इस टीका घर में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाल्मीकि जी और निमित सक्सेना की टीम ने टीकाकरण में पूरा योगदान दिया तथा बोथरा परिवार की ओर से अरविंद बोथरा, विवेक बोथरा, मोहित ने भी पूरा सहयोग दिया और निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम को सभी सहयोगकर्ताओं द्वारा सफल रहा तथा टीकाकरण में टीम के डॉक्टर ने बताया कि टीका सभी के लिए आवश्यक है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। समय रहते हुए सभी को टीका लगा लेना चाहिए। बीकानेर से रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। शारदा जी, आपने अभी इंजेक्शन लगाया है तो किसी तरह का कोई फीलिंग कर रही हैं आप? किसी तरह का तो आने वाली जो लेडीज है तो इंजेक्शन लगा रही है और जो तो नहीं लगा रही है तो उनको क्या क्या कहना चाहेंगे आप? चलो नाम बताइए। मेरा नाम तिलोकजन थादेड़ है। तो तिलोकजन जी, जिस तरह से अभी आपने वैक्सीनेशन से इंजेक्शन लगवाया है तो आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं? मेरे को तो कोई वैसी हलचल वगैरह वैसे है नहीं, जैसे मैं आया था वैसे ही हूँ। वैसे ही है फिलहाल कोई किसी तरह का कोई हिचकिचाहट या किसी तरह की कोई वही कोई प्रॉब्लम? अभी आपकी एज क्या हो गई है? मेरी एज 68 हो गई है। तो अभी आपकी एज के और आपकी एज के ऊपर के जो लोगों को क्या क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि सबको वैक्सीन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? जिस तरह से लोग घबरा रहे हैं इसमें कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज 24 टीवी में सभी आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो ये जो निःशुल्क जो टीका कोविड जो टीकाकरण हो रहा है ये भेरूदान इंद्रचंद बोथरा परिवार की ओर से जो लगाया जा रहा है और ये जो आज की टीम यहाँ पर मेडिकल टीम पहुंची है तो जो हमारे हम पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपका जो टीकाकरण का जो कैंप लगा रखा है ये अभी 45 एबो है या उसके मद्देनजर रखते हुए मैनेज कर रहे हैं? ये सर 45 एबो है। तो इसके अंदर ये पहला है या दूसरा है? नहीं, दोनों तरह की डोजेज लगाई जा रही है जी। 45 के फर्स्ट भी लगा रहे हैं और सेकंड भी लगा रहे हैं और अब वो 60 के भी फर्स्ट और सेकंड दोनों लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ लोगों ने जो फर्स्ट जो टीका लगाया उसके अंदर कई लोगों की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को और प्रॉब्लम हो जाती है, इसका कारण क्या है? लोग घबरा क्यों रहे? नहीं, लोगों को इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। टीकाकरण में बुखार आना सामान्य प्रक्रिया है, जैसे बच्चों को टीका लगाते हैं उसमें भी बुखार आता है और ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के लक्षण आ सकते हैं लेकिन ये कोई सीरियस मैटर आज गंगा शहर में। अगर उसकी घबराहट, मान लीजिए घबराहट हो जाती है तो वो उसके लिए क्या करे वो बताइए आप? उसके लिए घबराहट होती है तो हम बैठे हैं उनके लिए, उनको समझाएंगे। उसके बाद भी अगर होता है तो अस्पताल आते हैं। उसके लिए कई बार ये सुनते हैं कि जिस तरह से आपने बात तो बता दी है लेकिन कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि फोन नंबर भी दे दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद में भी उनको उसको उस तरह का सांत्वना नहीं मिल पाती, उसके बारे में क्या कहेंगे? सांत्वना देने के लिए हम तैयार हैं, अस्पताल में हमेशा तैयार हैं, दवाई भी देते हैं और बहुत अच्छे से वो टैकल करते हैं, वो समझाते हैं, यहाँ भी समझाते हैं। अभी जो बुजुर्ग जो घर के अंदर बैठे हैं जो अभी टीके से घबरा रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा टीकाकरण से बिल्कुल भी नहीं घबराएं और जहाँ से हो सके बढ़ चढ़ कर टीकाकरण में हिस्सा लें और बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टीकाकरण के बाद में कोविड का जो असर है ना वो बहुत कम हो जाता है और बहुत मतलब आसानी से वो रिकवर कर जाता है। अगर उसको हो भी जाता है ना इन्फेक्शन तो टीकाकरण के बाद में वो व्यक्ति सीरियस नहीं होता है किसी भी तरह से, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। आपका कहना है कि सावधानी बरतनी जरूरी है, मुंह पे मास्क लगाना जरूरी है और बैठने के बाद में 2 गज की दूरी जरूरी है। और जिस तरह से मैंने अभी जब एंट्री किया तो काफी लोग बिल्कुल पास पास में खड़े हैं तो उनकी कोई सोल्यूशन को नहीं बता पा रहे हैं आपको? आपका नाम क्या है? निमित सक्सेना। सक्सेना जी, आप अभी अभी यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पे पोल्यूशन कैंप देख रहा हूँ। अच्छा, आप कैंप इंचार्ज? हाँ, नहीं, इंचार्ज तो साहब है हमारे। साहब तो है, इसके इसके अलावा जो पोल्यूशन के बारे देख रहे हैं, हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं और लोगों की समझा इसमें। तो इसके बारे में जो कैंप लगा, इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस कैंप में सर लगभग अभी 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 200 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कईयों के फर्स्ट डोज लग चुकी है, कईयों के सेकेंड डोज लग चुकी है और ये इंद्रचंद जी बोथरा के बेटे हैं, विवेक बोथरा जी इनके लगवा रहे हैं, इनके सहयोग से ये कैंप हो रहा है आज। चलो, जो पूछना चाहूंगा आप बताइए सर, जो ये आज के जो इसके जो कैंप लगा है पिताजी की स्मृति में तो ये क्या आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि ऐसे कि कैंप लगाना चाहिए? नहीं, मेरे पिताजी समाज से भी आदमी थे, उनका हमेशा हर साल कुछ का कुछ योगदान रहता है। उनके जाने के बाद आज की महामारी में सबसे बड़ा योगदान ये वैक्सीनेशन है, लोगों को वैक्सीनेट करें और इस महामारी से हम अपने देश को बचाएं, यही उनका सपना था और यही हम उनको आगे बढ़ाते हैं। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे, युवा पीढ़ी भी नहीं समझ पा रही है कि ये वैक्सीन के लिए उनको क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि पहले बुजुर्गों को वैक्सीनेशन कराएं, घर घर जाके जो भी घर में पेंडिंग है
बुजुर्ग लोग जिनका वैक्सीनेशन पेंडिंग है उनको घर से लाएं या टीका करवाएं, और जो सरकार की निर्देश है मास्क की और दो गज की दूरी रखने की, इसकी अनुपालना करें और लोगों से भी करवाएं। थैंक यू। आप बताइए अरविंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि ये जो टीकाकरण है हर आदमी को लगवाना चाहिए, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष में सहभागिता बननी चाहिए और लोगों को उनकी जो गाइडलाइन है उसकी पालना करनी चाहिए। मास्क, दो गज की दूरी जो कि सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी रखनी चाहिए लोगों को। और युवा पीढ़ी को देता हूँ मैं कि युवा पीढ़ी अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेके आए और टीकाकरण करवाएं।